लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए प्रीतम ने बीते शनिवार को अपने दो साथियों के साथ मिलकर गांव खूटा लाहौरा में पानी की मोटर के पास से नया गांव के युवक विजय तथा रीटू को किडनैप कर लिया था। कार से दोनों को नया गांव के एक कमरे में ले गए जहां उनकी जमकर पिटाई की गई। प्रीतम और उसके दोनों साथी खान और अन्ना ने रिशु और विजय को डंडों तथा लोहे की राड से तब तक पीटा जब तक वे लहूलुहान होकर बेहोश नहीं हो गए। इसके बाद दोनों को बेहोशी की हालत में कार में डालकर खुडा लहोरा के पुल के पास फेंककर फरार हो गए। दोनों को चंडीगढ़ पुलिस ने हॉस्पिटल में एडमिट कराया जहां विजय के चेहरे तथा शरीर पर चोटों के निशान व सूजन है। वहीं पीजीआई में भर्ती रिशु की हालत ज्यादा नाजुक होने के कारण बुधवार सुबह 8 बजे उसने दम तोड़ दिया। सारंगपुर थाना पुलिस ने विजय के बयानों पर प्रीतम व उसके साथी खान व अन्ना पर केस दर्ज कर लिया था। अब इसमें हत्या की धारा भी जोड़ दी गई है। जी, मैं और मेरा फ्रेंड रिशु खुडलोरा जा रहे थे एक्टिवा से, और माड़ी के वहाँ से एक गड्डी खड़ी हुई थी रोड पे खेतों में, उन्होंने हमें रोका। उसमें से खान और अन्ना उस और विक्की, इन्होंने मतलब मेरे साथ मार्केट करके ज़बरदस्ती बिठाया मुझे गड्डी में, और आगे से एक वाइट गड्डी आई, फिर रिशु को बिठाया, फिर हमें कमरे पे लेके गए। कमरे पे ले जाने के बाद इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। फिर कमरे पे प्रीतम आया, वो मैडी का भाई है। इन्होंने वहाँ हमारे से पूछताछ करी कि भी आकाश वगैरह या फिर ये मान मून इनका। फिर इनकी पूछताछ करने के बाद उसने बंदूक निकाली और बोला कि भाई तुझे जान से मार देंगे, कि भी ये उनको जानते होंगे। वो मैडी का भाई, वो प्रीतम का भाई मर रखा था मैडी जी। ये जी मतलब पीजीआई में जॉब करता था, वैसे उसका प्रोफेशनल काम जिस तरह बंदों को चक्के ले जाता था, ब्याज पे पैसे देता था, ऐसे मतलब कि ये काम था उसका। अब ये चाहते हैं जी हमें इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि गन दिखा के उन्होंने बाद में मुझे ये बोला था कि भाई अगर कंप्लेंट वगैरह कराई तो भी जान से मार देंगे तुझे और तेरी फैमिली को। अभी कोई नहीं हुआ जी गिरफ्तार, और बॉडी हम तब लेके जाएंगे जब उनमें से कोई पकड़ा जाएगा, जब तक कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ऐसे तो कल को मुझे फिर से मतलब कि ले जा सकते हैं जब पहले ले गए तो। हाँ जी, मुझे भी धमकी दी गई है जी, मुझे जान का खतरा है उनसे। बेटा है मेरा 3 साल का एक, मैं वाइफ हूँ उसकी, तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं कलकत्ते थी, वहीं जॉब करती हूँ। मुझे उधर ही फ़ोन आया था, उसको मतलब लड़के जो है उसके, वो उसके दोस्त नहीं है, वहीं कॉलोनी में ही रहते हैं, तो लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था उसका, घर पे ही रहता था, वो शुगर का पेशेंट था, काम को कुछ करता नहीं था। तो बस ऐसे ही खबर आई कि उसको मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बाद मैं सीधा हॉस्पिटल में ही आई हूँ। जब तक गिरफ्तारी होगी हम बॉडी, तब तक शांति उसकी आत्मा को मिलेगी। मेरे 3 साल का बेटा है, इंसाफ चाहिए हमें तो बिल्कुल। उसकी हालत इतनी गंभीर करी हुई इन्होंने, और 6 दिनों से उसने आंखें खोल के भी नहीं देखा हमें। आज उसकी सुबह 9 बजे दर्द हो, मैं तो इंसाफ चाहती हूँ, मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं। जैसे उन्होंने मेरे बेटे की हाल करी, उनके बेटों की भी वही हाल होनी चाहिए। सर, मेरा भाई को विजय नाम का लड़का घर से बुला के लेके गया था सर, और ये दोनों सर जा रखे थे, और वहाँ पे सर इनके साथ पता नहीं क्या हुआ, इनके पीछे 2 गड्डियाँ लग गई सर, एक ब्लैक रंग की और एक वाइट रंग की सर। फिर इन्हें पता नहीं कहाँ लेके गए सर, वहाँ पे इन्हें मारकूट की सर, एक कमरे पे लेके गए, और इनसे बार बार पूछा जा रहा था कि हमें वो बताओ शामों कहाँ है, आकाश कहाँ है सर। हम इन्हें रिशु को ने थोड़ी ना सर मैडी को मारा था, मैडी के पीछे सर इन्होंने मेरा भाई को ऐसे ऐसे किया सर, प्रीतम ने सर, खान ने, अन्ना ने, और विक्की, विक्की नाम का लड़का है सर, जो बुआ का लड़का है सर उसका। सर हमने डेड बॉडी नहीं लेनी जब तक वो पकड़े नहीं जाते सर, हम डेड बॉडी यहीं पर ही रखेंगे, नहीं तो हम थाने में लेके जाएंगे डेड बॉडी। नेशनल बस के लिए बलविंदर आर्या की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।